हेलो गाइस, तो आज ना एक एक प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे यार। वो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, बट ये बॉम्बे का नहीं है, ये दिल्ली का भी नहीं है, मतलब आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे का नहीं है, बट ये तीसरा अपॉर्चुनिटी है तो जो मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है आईआईटी तिरुपति के बारे में। आईआईटी तिरुपति, तिरुपति टेम्पल है ना, स्टोरी अभी वहां का है। तो आईआईटी तिरुपति में एक मास्टर्स प्रोग्राम है, 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो एक वीडियो मैंने बनाया था 1 साल पहले, बट वो तो पुराना हो चुका है, ठीक है। जो बीत चुका है उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, जो अभी है और जो होने वाला है तो इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो पास्ट है, 1 साल पुराना वाला वीडियो, तो अभी नया वीडियो है तो इसके बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जितने सारे इंफॉर्मेशन चाहिए एक स्टूडेंट को फॉर अंडरस्टैंडिंग, वही इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, 4 इंफॉर्मेशन में शेयर करूंगा और वो 4 इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, स्टे कनेक्टेड विद मी राइट, एंड गिव मी 1 मिनट। आई थिंक इट इज विजिबल राइट, इट इज द होम पेज ऑफ आईआईटी तिरुपति, यू कैन सी दिस आईआईटी तिरुपति, ओके। तो नाउ ये जो एकेडमिक सेक्शन है, देखो प्रोग्राम्स, कौन सा प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट, एडमिशंस के बारे में, देखो ये आ गया है एडमिशन, ठीक है। तो ये पीएचडी अपॉर्चुनिटी है, एमएस रिसर्च है, एमटेक है, एमएससी है, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। देखो तो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करें, सबसे पहले ये जो है प्रोग्राम है, देखो प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। एडमिशन टू द एमपीपी मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम विल बी डन थ्रू द 2 ट्रैक्स। तो ये सारे चीज, कौन सा ट्रैक है क्या नहीं है, सारे चीज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखो अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखो इन लोगों ने क्या लिखा है। ये लोग बोल रहा है ये जो प्रोग्राम है ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम है एंड इट्स ग्रेजुएट विल बी एक्सपोज टू ए रेंज ऑफ स्किल स्पेशली गियर टूवर्ड द पॉलिसी मेकिंग एरिना। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डोमेन है, जहां पे जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल सा एक एग्जाम्पल राइट, क्या है सिंपल सा एग्जाम्पल, ये है अभी जो कोविड सिचुएशन हुआ, एग्जैक्ट कोई पॉलिसी नहीं है, तो ये जो पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था तो इसके बारे में एक भी रूल्स नहीं है, पॉलिसी नहीं है, जो भी उन लोगों ने बनाया था तुरंत, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये जो बनाया उन लोगों ने बनाया था, ये जो सारे रूल्स ये इंस्टीट्यूट ने बनाया था, वही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको इंप्लीमेंट किया। अरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हु का रूल्स कुछ इन लोगों ने फॉलो किया बस ऐसे ही, ठीक है। बट इंडिया का खुद का कोई कुछ पॉलिसी नहीं है, तो ये पॉलिसी तो बनाना चाहिए ना गवर्नमेंट का, जो पॉलिसी थिंकर्स जो भी है। तो अभी इसका बहुत डिमांड है, तो इसलिए आईआईटी बॉम्बे में ये प्रोग्राम बहुत पहले से ही था, बहुत ही यूनिक प्रोग्राम, बट आईआईटी दिल्ली में अभी आया है, 2 ही साल हुआ है, बहुत नया प्रोग्राम है। 1 साल हुआ है फर्स्ट बैच, अभी सेकंड बैच, दे विल टेक स्टूडेंट फॉर द सेकंड बैच। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। दूसरी बात ये है, 1 साल पहले यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ था, इसमें तिरुपति में, आईआईटी तिरुपति में, बट ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, मैंने बनाया था ये अपॉर्चुनिटी के बारे में एक वीडियो, बट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेके नहीं, चलो देख लेते हैं। ओ गॉड,
देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंस HTA एट द रेट ऑफ 12,400 एंड टेनेबल फॉर ए मैक्सिमम 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स के लिए है, विल बी अवार्डेड टू द इंडियन नेशनल्स एडमिटेड अंडर ट्रैक 1. सो व्हाट इज द ट्रैक 1, वी हैव टू चेक दैट. ट्रैक 1 कैटेगरी क्या है, तो डेफिनेटली इसके बारे में चेक करना चाहिए. ट्रैक 1 सब्जेक्ट टू इंस्टीट्यूट रूल्स, ये सारे सब चीजें रूल्स के बराबर होना चाहिए. और कितना टाइम काम करना पड़ेगा, 8 आवर्स पर वीक, तो 8 आवर्स, यू हैव टू वर्क 8 आवर्स. तो देखते हैं सारे चीज के बारे, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में एक बार देख लेते हैं. देखो 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 19 अप्रैल, ठीक है, तो बहुत टाइम है अभी. टुडे इज 1 अप्रैल, अप्रैल फुल मत बनाओ किसी को भाई, मुझे मत बनाओ, ठीक है भाई, मैं इंफॉर्मेशन तो कुछ तो शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. यहाँ पे देखो दो चीज हो सकता है, रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू. अगर रिटेन टेस्ट होगा तो दे कैन टेक स्टूडेंट थ्रू रिटेन टेस्ट, अदरवाइज दे कैन कंडक्ट ओनली इंटरव्यू. एंड कब होगा वो, 8 मई एंड 9 जून के बीच में होगा, ठीक है. देखो डेट्स हो गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, हु आर एलिजिबल. ओ माय गॉड, तो एनीवन, एनी बैचलर्स डिग्री कैन अप्लाई, एनी बैचलर डिग्रीज कैंडिडेट कैन अप्लाई. ओके, जो लोएस्ट मार्क्स है 55% मार्क्स चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. देखो चलो डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वह देख लेते हैं. ओ देखो जलवा, देखो ये है, देखो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एंड और रिटेन टेस्ट. देखो दो हो सकता है, इंटरव्यू एंड रिटेन टेस्ट, ये हो सकता है एक कैटेगरी. एंड और का मतलब है और रिटेन टेस्ट, मतलब इंटरव्यू और रिटेन टेस्ट, तो इसका दो मीनिंग है एंड और का, तो वो चीज शायद क्लियर हो गया है. इंडिया सॉरी इंटरव्यू एंड रिटेन टेस्ट, ये फॉर्मेट हो गया, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, ये एक फॉर्मेट हो गया. चलो यहाँ पे जो भी है, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन पर क्या क्या चीज चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन, गेट स्कोर कार्ड इफ एप्लीकेबल. ओके, अगर किसी का कोई डिग्री सर्टिफिकेट, का सर्टिफिकेट कुछ भी हो तो भाई यू हैव टू प्रोड्यूस दैट, ठीक है. तो ये सारे सर्टिफिकेट देखो, बर्थ सर्टिफिकेट, वहां पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, आइदर जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट है तो उसमें शायद मेंशन होना चाहिए, ऑफर ऑफ द एडमिशन, एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट कौन सा कैटेगरी से हो वो भी होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट. तो दिस आर द सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ओके, अरे अप्लाइंग ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस, तो यू कैन क्लिक हेयर, यू कैन गो फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट. तो इफ यू आर न्यू स्टूडेंट तो देन यू हैव टू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, तो फॉर रजिस्ट्रेशन भी कर लो. देखो इंडियन सिटीजन हो तो जाओ, इधर दो ऑप्शन है, कहाँ पे जाना है, फॉरेन स्टूडेंट हो गया नहीं ना, तो इसमें जाओ इंडियन सिटीजनशिप में, तो नाम रोल नंबर लिखो जो भी है, एज पर 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में जो भी है इसको भरो, फिलअप करो, तब आएगा ये, रजिस्टर करो, फिल करके रजिस्टर करो, ठीक है. तो ये बात है, दूसरे बात क्या है, चलो तो देखते हैं. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो सिलेक्शन सिलेक्शन कंपोनेंट देखो. ट्रैक 1 का मतलब क्या है, ट्रैक 1 का मतलब एप्लीकेंट्स हु हैव टेकन द गेट एग्जाम एंड हैव वैलिड गेट स्कोर, जिसके पास गेट स्कोर है वो है ट्रैक 1. देखो ट्रैक 2 में क्या होना चाहिए, ट्रैक 2 में एप्लीकेंट्स हु हैव नॉट टेकन गेट एग्जाम. ओके, सो ये हुए ट्रैक 1, एंड जो भी ट्रैक 1 कैंडिडेट्स है तो शायद फाइनेंशियल असिस्टेंस उसी को मिलेगा, ये टू द इंडियन नेशनल एडमिटेड अंडर ट्रैक 1 कैटेगोरी, राइट. तो ये है फैक्ट, ठीक है ना.
तो देखो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन कंपोनेंट मैंने बता दिया, सिलेक्शन किसके ऊपर होगा, ठीक है, तो इंटरव्यू होगा जो भी है, तो ये सारे चीज क्या दिक्कत है, तो ये सारी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू अलॉट। ओके सो जाओ अप्लाई करो, जितना हो सके अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करो, अप्लाई करो, पॉलिसी लेवल पे जाओ, इंडिया गवर्नमेंट के लिए काम करो, कुछ भी करो, ठीक है। ट्रैक वन के कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजें देखो मैंने बताया, फिर भी एक बार वीडियो पॉज करके देख लो, वीडियो पॉज करके। ट्रैक वन, एप्लीकेंट मस्ट हैव ए वैलिड गेट स्कोर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सिलेक्शन। ओनली गेट एप्लीकेंट्स एंड आर अबव द कट ऑफ डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट विल बी आस्क्ड टू अंडरटेक पर्सनल इंटरव्यूज। जो भी है इंटरव्यू देना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू लॉट, राइट। चलो ये लास्ट डेट है, और फीस कितना फीस है देखो, एप्लीकेबल ट्यूशन एंड अदर फी डिपॉजिट फॉर मास्टर पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट्स इज अवेलेबल फॉलोइंग लिंक। चलो लिंक पे क्लिक करके देखते हैं कितना पैसा देना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं वो भी। ओ गॉड, 50,000, ठीक है। तो ये है 50,000, यू हैव टू पे 50,000। ओके स्पॉन्सर कैंडिडेट, यू कैन चेक दिस, नियर अबाउट मोर और लेस ज्यादातर होता है, ठीक है। तो ये एक चीज है, तो जाओ अप्लाई करो। हाँ आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू लॉट, राइट। सो अप्लाई करो, बहुत अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स में। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।